नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले सीढ़ियों के बारे में। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले एक घर में विजिट किया था, नैऋत्य कोण में उन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी मेरे क्लाइंट ने, और उनको किसी ने गाइड कर दिया कि आपकी ये सीढ़ियां गलत हैं, आप इसको सही कीजिए, इसको यहाँ से हटाइए, और हटा के यहाँ पे ओनर का बेडरूम बनाइए और उसके बाद सीढ़ियों को आगे लेके जाइए। सेकंड उस वास्तु वाले ने बताया कि सीढ़ियों में अगर हटा नहीं सकते, क्योंकि सीढ़ियाँ हटाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने सेकंड चीज बताई कि सीढ़ियों में काले रंग का पत्थर का इस्तेमाल कीजिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर में काला रंग बहुत फायदा देता है। दोस्तों ऐसा नहीं करना आपको। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो और शॉर्ट दोनों चीज बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी स्टेयर केस में आपको काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे आपकी स्टेयर केस वास्तु अनुसार बनी हुई है, चाहे आपकी स्टेयर केस वास्तु अनुसार नहीं बनी है, आपको काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेयर केस में जो आपका स्टेप जहाँ पे रखते हैं उस वाले पत्थर की जगह पर। और दोस्तों स्टेयर केस में एक और उन वास्तु वालों ने बताया कि सीढ़ियां हमेशा सीधी बनती हैं। दोस्तों पहले के टाइम में बहुत ज्यादा जगह होती थी लोगों के पास, और आम तौर पर मकान एक मंजिल से ऊंचे नहीं होते थे, इसीलिए स्टेयर के सीधी चढ़ जाती थी। बट आज की डेट में क्योंकि हमारे पास स्पेस की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, हम स्टेयर के सीधी नहीं बना सकते, और वास्तुशास्त्र के किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी कि स्टेयर के हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं कि स्टेयर के सीधी नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो कारण आता है वो ये है, अगर आपने स्टेयरकेस किसी भी तरीके से सीधी बना भी ली तो कोई भी सामान ऊपर से गिरेगा, या बहुत बार लोग फिसल जाते हैं तो वो फिसलते फिसलते सीधा ग्राउंड फ्लोर पर ही आएगा, कोई भी लैंडिंग ना होने की वजह से, कोई भी टर्न ना होने की वजह से। आप सोचिए दोस्तों कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है किसी के लिए अगर कोई भी चीज़ या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर जाए। आम तौर पे बच्चे गिरते हैं दोस्तों स्टेयरकेस में ऊपर चढ़ते हुए, बच्चे खेलते हुए बहुत बार स्टेयरकेस में गिर जाते हैं, लैंडिंग की वजह से उनको ज़्यादा चोट आने से बच जाते हैं वो। तो दोस्तों ऐसे वास्तु वालों के चक्कर में ना फंसे। उन्होंने बहुत ज़्यादा समस्या में डाल दिया था मेरे क्लाइंट को, तभी उन्होंने मेरे को याद किया कि सर मैं ऐसे ऐसे, मेरे को एक वास्तु वाले बोल गए हैं कि नैऋत्य कोण में से सीढ़ी हटाओ और सीढ़ी स्ट्रेट बना दो, तीन मंजिला मेरा मकान है, किसी भी तरीके से मेरी स्टेयरकेस सीधी नहीं आ पा रही, क्योंकि 250 गज का मकान है, सीधी स्टेयरकेस अगर चढ़ा दी तो स्टेयरकेस के नीचे उन्होंने कहा है आप कुछ भी नहीं बना सकते, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं रख सकते, तो मेरा तो आधा प्लॉट इसी चीज में खराब हो जाएगा। अगर मैंने अपने 250 गज के मकान में तीन फ्लोर तक स्ट्रेट स्टेयरकेस ले गया और बनी नहीं पा रही, मेरा आर्किटेक्ट भी नहीं बना पा रहा। तो दोस्तों ऐसे वास्तु वालों के चक्कर में ना पड़े जो आपको ऐसी गलत चीजें बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।